हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं मोमोज। तो देखिए, सबसे पहले स्टफिंग के लिए हमको चाहिए एक पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, कुछ हरी मिर्च और दो तीन गाजर। तो इनको हम छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम मैदा और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें कोई मोयन, कोई घी या तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। हम इसको सिर्फ पानी की हेल्प से इसका डो बनाएंगे। इसको मीडियम गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो देखिए, इस तरह से हमने बनाया है ताकि बेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और अब हम इसको ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सब्जियों को हमने बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लिया है और यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई। इसमें डालेंगे एक बड़े स्पून ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर डालिए। जो हमारे मोमोज हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे, उसकी जो स्टफिंग है। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे पहले। बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं भूनना है। तो इस तरह से चलाते हुए इसको हमको भून लेना है। और उसके बाद ये हमारी सब्जियां कट चुकी हैं। देखिए, छोटे छोटे से पीसेस में बिल्कुल इनको हमने बारीक कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई अपनी सब्जियां। तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने प्याज नहीं डाला है, वो आपके स्वाद के अनुसार है। इसमें हम डाल देते हैं सारी सब्जियां और एक अच्छा सा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जो हम मोमोज में भरेंगे इसको। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक चम्मच नमक। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। तो ये देखिए, हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है और अब हम बनाना शुरू करेंगे मोमोज। तो इस तरह से लंबे टुकड़े में कर लेना है। उसके बाद चाकू की हेल्प से छोटे छोटे लोइयां बना लेनी है। आप चाहे तो इससे कड़ा आटा भी बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, जितना मुझे पसंद है बेलने में। तो इसके छोटे छोटे गोले बना करके हम मोमोज के लिए पतली पतली सी बिल्कुल रोटियां जैसे बनाएंगे पहले। और जितना अच्छा पतला आप बेलेंगे, उतने ही टेस्टी आपके मोमोज बनेंगे। तो आप इसके साइज भी हिसाब से ले सकते हैं, जितने बड़े या छोटे आपको बनाने हैं। होटल में तो बहुत छोटे छोटे से मिलते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़े बड़े ही बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एक चम्मच भर के, और ये जो लोई है, आटे की रोटी है, इसको हमको इस तरह से प्लेट बनाती जानी है इसमें। और आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसका मोमोज का बिल्कुल शेप बनना। तो इस तरह से बस एक प्लेट से सारी प्लेट को जोड़ते जाएंगे। ये देखिए, आपको जैसे आसान लगे आप बना सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिए हैं। तो चलिए, एक और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको।
और आप इसको रख के बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी बनाने में। ये देखिए इस तरह से इसको मोड़ते हुए हमको बनाते जाना है। तो ये देखिए हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया। और आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो जैसा, वैसे स्टीम करने के बाद फ्राई करने में अलग ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमने इसको स्टीमिंग के लिए भी रख दिया है और ये थोड़े से पक जाएंगे जब, बिल्कुल बहुत देर तक नहीं पकाना है जब हम, क्योंकि हम इसको फ्राई भी करने वाले हैं तो इसको हाफ पकाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको फ्राइड पसंद नहीं है तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो आप स्टीम करने के बाद फ्राई कर सकते हैं। तो स्टीम करने के लिए तो आपको कढ़ाई के ऊपर एक छन्नी रखनी है और उसमें आप रख दीजिए तो आपके जो मोमोज हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। ऊपर से आप कोई थाली या कुछ भी ढक दीजिए उसमें, और डायरेक्ट आपको फ्राई करना है तो आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो इनको पलटते हुए हम सारे मोमोज अपने तल लेंगे। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसकी चटनी भी, मैं इसकी चटनी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो धीरे, बहुत लो फ्लेम में नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम में रखिए आप, और फुल भी कर सकते हैं, आपको बस पलटते रहना है बीच बीच में। और पलटते हुए आप इनको इस तरह से पका लीजिए और बहुत ही टेस्टी आपके मोमोज बनकर तैयार होंगे। और घर पे बनाइए, बहुत ही आसान है बनाना और बिल्कुल होटल जैसे मोमोज आपके बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं, पक चुके हैं। तो आप इस तरह से गर्मा गर्म मोमोज घर में बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और डायरेक्ट तलने में और स्टीम करके तलने में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो आप जो आपको पसंद हो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इनको स्टीम करके उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे मोमोज। तो बस गर्मा गर्म मोमोज और इसकी जो लाल चटनी है उसके साथ इसको आप बनाइए और अपनी फैमिली के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं नई नई रेसिपी लेकर आप लोगों के साथ आती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।